दोस्तों, आपने राम से बंधुओं की हॉरर फिल्में तो जरूर देखी होंगी और उनकी इन हॉरर फिल्मों में भूत हमेशा फिल्म का सबसे शानदार किरदार रहे। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में कभी भी भूत के किरदार के साथ समझौता नहीं किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि राम से बंधुओं के लिए इस भूत के किरदार के लिए हमेशा एक नाम सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा और वो था अनिरुद्ध अग्रवाल का। दोस्तों, अनिरुद्ध अग्रवाल ने बेशक राम से बंधुओं को सिर्फ 3 ही फिल्मों में काम किया और उनमें से 2 में भूत का किरदार निभाया, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया किरदार अमर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राम से बंधुओं की फिल्म में भूत का किरदार निभाने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल की बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि IIT से इंजीनियरिंग करने वाले अनिरुद्ध कैसे फिल्म लाइन में पहुंच गए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब भी हिंदी फिल्मों के सबसे खतरनाक भूतों की बात होती है तो सामरी उर्फ अनिरुद्ध अग्रवाल का नाम पहले आता है। लंबी कदकाठी का वो खूंखार भूत जिसे फिल्मों में ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये वही भूत था जिसने उन पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में दर्शकों की चीखें निकाल दी, खड़े खड़े बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। 1949 में जन्मे अनिरुद्ध देहरादून के एक सामान्य परिवार में पले बढ़े। 1974 में उन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन एक्टिंग करने को बेताब रहता। बताया जाता है कि अनिरुद्ध एक बार बीमार थे और दफ्तर से छुट्टी ली, तभी उनसे किसी ने राम से बंधुओं से मिलने को कहा। अनिरुद्ध भी उठकर मिलने चल दिए। अनिरुद्ध ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब राम से बंधुओं ने मुझे पुराना मंदिर ऑफर की तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं एक्टर बनना चाहता था और यही मौका था, मैंने इसे झटक लिया। फिल्मों में मेरी रुचि थी तो मुझे लगा मुझे और मौके मिलेंगे, मैंने करियर बदल लिया। राम से बंधुओं के साथ अनिरुद्ध ने एक के बाद एक 2-3 फिल्में की। पुराना मंदिर सुपरहिट हो गई, लोग सामरी से खौफ खाने लगे। इसके बाद अग्रवाल 1990 में राम से की फिल्म बंद दरवाजा में दिखे। इस फिल्म ने भी जबरदस्त कमाई की। राम से बंधुओं की बात करते हुए अनिरुद्ध ने कहा कि वो लोग ज्यादा पैसे नहीं देते थे क्योंकि उनकी फिल्मों का बजट ही कम होता था, लेकिन वो लोग समय से पैसे देते थे। हम सब एक परिवार की तरह खाते पीते और रहते थे। इस बीच अनिरुद्ध हॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आए। अनिरुद्ध साल 1994 में आई द जंगल बुक और 1998 में आई सच ए लॉन्ग जर्नी में नजर आए, लेकिन इसके बाद कुछ खास ऑफर न मिलता देख अनिरुद्ध फिर से इंजीनियरिंग के पेशे में चले गए। हालांकि बीच बीच में उन्हें कई हॉरर टीवी शोज में देखा गया। अनिरुद्ध आखिरी बार 2010 में रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर विल्सन लुइस की हॉरर फिल्म मलिका में नजर आए थे। तो दोस्तों, क्या आपको भी पुराना मंदिर के भूत का किरदार देखकर डर लगता था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।